यार मेरी सब हो गई है। माय आल्सो कॉम्प्लिकेटेड। तो नाउ चिल्ड्रन, आप लोगों में से जितने लोगों के पास वर्कशीट है प्लीज ब्रिंग इट, वी विल हैव अ लुक और द वर्कशीट, ऑल द फोर चैप्टर्स वी विल सी राइट नाउ फ्रॉम द वर्कशीट। ऑल ऑफ यू प्लीज ब्रिंग इट। हाँ बेटा बोलो। ऑल ऑफ यू प्लीज ब्रिंग इट, वी विल हैव अ लुक ऑन द वर्कशीट। तमन्ना बेटा म्यूट करो अपने आप को। तमन्ना पनारा कैसा है? हाँ भाई काबित बोलो। सर ठीक से सुने नहीं दे रहा है। हेलो बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर योर वॉइस इज कमिंग। हाँ सो नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास वर्कशीट होगी, तो चलो उसमें खोलो, चैप्टर नंबर 1 खोलो सभी लोग देखो। चैप्टर नंबर 1 रुको मैं हेडिंग डाल देता हूँ। I'm going to on my camera. विश्वा अपना कैमरा बंद करो। चलो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। Today we are going to do worksheet, no? Worksheet. नंबर 1 इन द वर्कशीट। नाउ सी यहाँ पर आप लोगों ने एमसीक्यू देख लिया, पूरे पूरे एमसीक्यू दिए हुए यहाँ पे। एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस हियर द क्वेश्चन आंसर। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन द पेज नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 इन योर वर्कशीट। सी हाउ द हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में डाउट है? नो सर आई एम टेलिंग दैट योर क्वेश्चन आंसर्स आर आल्सो ऑन पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे नहीं बेटा। यस सर क्वेश्चन आंसर्स आर ऑन पेज नंबर 2 एंड 3 एंड आल्सो 4 3 pages of question and answers. Okay. हाँ तो क्वेश्चन आंसर था चैप्टर नंबर 2। कोई बात नहीं बेटा, लगता है वर्कशीट में थोड़ा बहुत फर्क हो गया है।
आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ हनी इज कलेक्टेड एंड वेयर इट इज यूज, यही है ना? यस सर, दैट्स ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, वही है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि वर्कशीट में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पर आपको लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, मतलब एग्जांपल्स जो मैंने दिए हैं स्कैवेंजर या क्वेश्चन आपसे समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा पार्ट है? सर आई हैव डाउट ऑन पेज नंबर 8, सो 7th क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन को कौन लेगी, क्वेश्चन को दे झाड़ू। पेज नंबर 8 झाड़ू झाड़ू। क्वेश्चन नंबर 7 सर, क्वेश्चन आंसर्स हो क्या देवानो है? एक मिनट बेटा, पेज नंबर 8 ना बेटा, किसकी आवाज आ रही है बोलना बंद करने के लिए? नेत्रा बेटा एक मिनट जरा अपने आप को म्यूट करो। तो हाँ समझाता हूँ मैं, एक मिनट। पेज नंबर 8, ओके पेज नंबर 8 में कहाँ बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। ओके, minerals and the vitamins are required in very small quantities but important for good health, why is it? Vishwa? Yes sir, this one. Yes sir. Okay, all of you please listen. Dekho beta, yahan par aisa hai ki koi bhi ek bachcha doubt puchta hai, but the benefit should be given to all of them. Theek hai, to isme kya hai, aap sabhi ko benefit mil payega. Dekho abhi Vishwa ne question pucha, व्हाट द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मिनरल्स एंड द विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, व्हाई? हमें मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट स्मॉल क्वांटिटी में होती है, बहुत ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों है ना? इसका आंसर ये है बेटा कि देखो, इनका रोल प्ले हमारे बॉडी में नहीं, मतलब इनका रोल प्ले डायरेक्टली हमारे बॉडी में नहीं है। आप लोग तो जानते हो, मैंने जब आपको न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि बेसिकली तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में वर्कआउट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? दैट वॉज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड द फैट आर द थ्री कंपोनेंट्स जो बेसिकली हमारे बॉडी में वर्कआउट करते हैं, हमारे डे टू डे काम, हमारी डेली एक्टिविटीज को करने के लिए हम हमारे डेली एक्टिविटीज को करने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। जब कभी भी आप फास्ट करते हो, आप उपवास करते हो कभी, ठीक है ना, जिस टाइम पर आप खाना नहीं खाते उस टाइम पर आपके बॉडी का फैट आपकी बॉडी का ध्यान रखता है, क्योंकि आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में नहीं लिया है ना, कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया है, देन योर बॉडी will take energy from somewhere else. You all know that the fats are working as a reserve food. जो fat होता है वो हमारे body में as a reserve food की तरह काम करता है, ठीक है? तो जब कभी भी आप fast करोगे तो fat काम करेगा, normal time में glucose काम करेगा, carbohydrate काम करेगा, ठीक है? और जब कभी भी आपकी body में कुछ टूट फूट होगी, मतलब since you all are the growing children, आप सभी बढ़ रहे है ना, आप सभी की बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, आप सभी ग्रोथ ईयर्स में हो अभी, ठीक है ना, तो आपके बॉडी में जितने भी न्यू सेल्स बन रहे हैं, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, पूरी बॉडी है, बॉडी के स्किन है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ अभी ग्रोथ एज में है, आपके बॉडी में प्रोटीन का कंजप्शन काफी ज्यादा होगा, ठीक है? तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द थ्री सब्सटेंसेस जिनका मेन रोल प्ले होता है हमारे बॉडी में। इन तीनों के अलावा
प्रोटीन्स और सॉरी मिनरल और विटामिन, ये दोनों सिर्फ हमारे बॉडी सिस्टम को हेल्प करते हैं। बेटा याद रखना, मिनरल्स एंड द विटामिन, विश्वास, मिनरल एंड द विटामिन दे बोथ आर नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटी बिकॉज दे बोथ डू नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्टिवली इन द वर्किंग ऑफ बॉडी। दे डू नॉट हैव एनी रोल, दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट और एक्टिव रोल डायरेक्टली इन द बॉडी। दे डोंट हैव एनी रोल डायरेक्टली इन द बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी सिस्टम में इनका डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं होता। ये हमारे बॉडी के सिस्टम को हेल्प करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो वो सारे सिस्टम्स जो हमारी बॉडी को चलाते हैं उन सिस्टम्स को हेल्प करता है कौन? विटामिन एंड मिनरल्स। इसीलिए हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओके विश्वास, समझ में आया? हेलो सर, हेलो विश्वास, प्लीज रिस्पॉन्स। सर आपने वो वर्कशीट में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर नहीं कराया वर्कशीट में। अंडरस्टैंड सर, समझ में। बेटा चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 4 वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे मैंने आप लोगों को? नहीं सर, आपने भेजे हैं, भेजे हैं सर आपने, वो भी गए सबका। हाँ सर, वो भी गए आपने भेजे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आप लोगों में से अगर आप कोई बच्चा ऐसा है जिसको मान लो किसी वजह से नेटवर्क इशू हो गया, या चलो ग्रुप में नहीं थे, या मोबाइल नंबर चेंज हो गया, किसी भी वजह से अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं पहुंची है और आप मुझसे लेना चाहते हो, देन प्लीज व्हाट्सएप मी पर्सनली। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करियो, मैं आपको वो क्लिक करके भेज दूंगा, है ना? हाँ बेटा, तो अभी व्हाट वाज कोई, हाँ एनीबडी एल्स बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है मुझसे, प्लीज वेलकम। एनीबडी एल्स वॉन्ट टू आस्क मी क्वेश्चन? लेट मी सी द चैट बॉक्स। कोई क्वेश्चन नहीं किसी को भी पक्का? चलो कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है। चलो तो पूरी वर्कशीट एकदम क्लियर है सभी को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है? No sir, sir your board half part is seen. No doubt sir. ठीक है तो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, चलो चैप्टर नंबर 2 में कितने लोगों को डाउट है? आई थिंक कई बच्चों को चैप्टर नंबर 2 में डाउट थे, तो लेट्स हैव अ सी चैप्टर नंबर 2 में क्या डाउट है किसी को? हाँ बेटा प्लीज आस्क, प्लीज आस्क, मोस्ट वेलकम। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ डाउट्स बताओ। सर आई हैव डाउट इन टेस्ट बुक। यू आर हैविंग अ डाउट इन द टेस्ट बट, टेस्ट बट में डाउट है आपको? यस। ओके देखो बेटा, टेस्ट बट्स जो है वो गॉड ने हमें हमारी टंग पे दिए हैं। नो सर, नॉट दैट पार्ट सर, आई एम टेस्ट बुक डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, आपको डेफिनेशन चाहिए? नो सर, आई हैव डाउट इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ओके 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 बेटा, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी में जो भी हेल्पिंग टिश्यूज हैं, मतलब हमारी बॉडी के फंक्शंस को हेल्प करने वाले जो एजेंट वो कौन है? दो होंगे। अभी अभी विश्वा ने क्वेश्चन पूछा था, तो आई थिंक आपने भी तो सुना ही होगा आंसर जो मैंने आपको बताया, है ना?
कि मिनरल्स एंड द विटामिन विल ऑलवेज हेल्प इन द डिफरेंट सिस्टम. ये दोनों जो होते हैं वो हमारे बॉडी सिस्टम को हेल्प आउट करते. दे डिड नॉट गो टू वर्क इटसेल्फ, खुद जाके काम नहीं करेंगे बल्कि हमारे बॉडी सिस्टम को हेल्प आउट करें. ठीक है, अब आप सोचो आपके बॉडी में हेल्प करने वाले एजेंट्स की अगर कमी हो जाए तो क्या आप अच्छे से काम कर पाओगे. मतलब मान लो आपके घर में भाई आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वॉट वी नीड टू लिव, वी नीड फूड, खाना चाहिए हमें. ठीक है, लेकिन खाने के साथ साथ हम जहां पर रहते हैं जो हमारा घर है हम घर में खाना खाते हैं. ठीक है, क्या सिर्फ खाना ही खाते हैं? नहीं, खाना खाने के अलावा आप पानी भी पीते हो. ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर जाकर घूमते भी हो, दोस्तों से बात भी करते हो, है ना. सिंस यू आर अ सोशल पर्सन, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो. वी आर नॉट द मशीन कि किसी कोने में रख दिया चुपचाप पड़े. नो, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी विल ऑलवेज ऑलवेज रेस्पॉन्ड. ठीक है ना, तो आप जहां रहते हो वहां पर अपने आसपास के लोगों से आप बात भी करोगे. ठीक है, इसके अलावा आपके घर में साफ सफाई होना भी जरूरी है. ये सारे ऐसे काम हैं जिनका रिलेशन आपके लिविंग से नहीं है. आपके लिविंग से किसका रिलेशन है? ओनली फॉर द फूड. फूड होगा तो लिविंग होगा, अदरवाइज लिविंग नहीं होगा. ठीक है, लेकिन फूड के अलावा अगर ये सारे काम नहीं होंगे तो क्या आप घर में रह पाओगे? आपके घर में साफ सफाई ना हो, आपके घर में हर जगह कचरा पड़ा हो, पूरा घर पूरे घर का सामान यहां से वहां पड़ा हो, तो क्या आप उसमें कंफर्टेबली रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना. इन द सेम वे हमारे बॉडी को चलाने के लिए, हमारे बॉडी को लाइव रखने के लिए वी नीड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन द फैट. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन द फैट, दीज आर द सीड्स विच विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. दे विल प्ले द मेन स्ट्रीम रोल. मेन स्ट्रीम रोल प्ले करेंगे ये तीनों के तीन. ठीक है, लेकिन इसके अलावा विटामिन एंड द मिनरल्स दे विल वर्क एज अ हेल्पर. वो हमारे बॉडी सिस्टम को हेल्प करेंगे काम करने के लिए. ठीक है, तो उनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. अब मान लो अगर ये आपकी बॉडी में कमी हो गई तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन से क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा. वी आर हैविंग द चार्ट टेबल नंबर 2.1 एंड 3.1, सॉरी 2.2, टेबल नंबर 2.1 एंड 2.2, वी आर हैविंग द टू चार्ट. दोनों चार्ट में देखो अगर आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपके बॉडी में किस विटामिन की कमी होने से आपको क्या हो जाएगा, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है. टेबल नंबर 2.1 2.2 में पूरा पूरा हमने आपको लिस्ट दिया हुआ है. 2.1 में अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो देन योर बॉडी विल हैव विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना. योर बॉडी विल हैव द प्रॉब्लम इन द नाइट ब्लाइंडनेस, दैट योर बॉडी विल सफर फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस, दैट द पीपल्स वुड नॉट बी एबल टू सी एट द नाइट. ओके, विटामिन बी की अगर हम बात करें इट विल कॉज बेरी बेरी. इसमें क्या होता है, हमारे माउथ के जो कॉर्नर्स है यहाँ यहाँ पर क्रैक हो जाता है. जब कभी भी आप स्माइल करोगे या खाना खाने के लिए अपना माउथ ओपन करोगे देन देयर विल बी ब्लीडिंग. साइड साइड से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा. ठीक है ना, जब कभी भी यहाँ पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर कब होगा, जब आप फंसोगे, फंसने के लिए आप अपना मुंह खोलोगे देन दिस क्रैक्स विल बी ओपन एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. यू विल ओपन योर माउथ फॉर द ईटिंग फूड देन अगेन दे विल देयर विल बी अ क्रैक एंड देयर एंड देन ऑल्सो द ब्लीडिंग विल बी स्टार्ट. ठीक है ना, तो दैट वॉज ऑल अबाउट द बेरी बेरी. तो बेटा देखो यहाँ पर पूरा स्टार्ट दिया हुआ आपको विटामिन का, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी ट्वेल्व, सी, डी, ई, के. सारे विटामिन अगर आपके बॉडी में कम हो गए तो आपको क्या हो जाएगा. द डेफिनेशन हैज बीन गिवन हियर, द नेम ऑफ द डिजीज हैज बीन गिवन, व्हाट वी शुड ईट टू मेंटेन दीज विटामिन, व्हाट शुड आई ईट टू मेंटेन दीज मिनरल्स, दैट्स ऑल्सो गिवन. What will be the name of the mineral? What will be the name of the vitamin? Okay, and what function it will do in our body? हमारे body में ये कौन सा function करेगा? ये भी दिया हुआ है. और आपके body के किस part को infect करेगा? आपके body में क्या होगा? Swelling होगा? कि आपके बॉडी के स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, आपको चक्कर आएंगे, आपका वेट लॉस होगा, वॉमिटिंग होगा, क्या होगा,
दिस ऑल हैज बीन गिवन इन दिस चार्ट इन दिस टेबल. तो बेटा जिनको डेफिशिएंसी इन द मिनरल्स एंड डेफिशिएंसी इन द विटामिन्स में प्रॉब्लम है प्लीज गो थ्रू द चार्ट. चार्ट हैज बीन गिवन टेबल नंबर 2.2 एंड 2.1. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Anybody else? Please, most welcome. Please ask. Yeah, oh yeah, yeah. Bolo, beta, Dara. You want to say something? Anybody else? Children? Any one of you want to ask question? You all are most welcome. Please ask. Koi question nahi hai? Tamanna, Radhe, Abhay, Aman, Arya, Om, Darsh, Dev. Here, Hensi, Kevin, Madhav, Netra. Sir. Bolo, beta. Sir, I am speaking Dev Saradwa. Haan, beta, haan. Bolo, bolo. Sir, in our PA1 exam of our science, you give question answers and MCQ also. हाँ बेटा वो हम आपको बाद में बताएंगे. एमसीक्यू मान लो अगर हम पूछते भी हैं आपसे तो भी आपको पूरा पूरा चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू हम कहाँ से पूछेंगे. दैट्स नॉट नोन टू यू. नहीं नहीं वो सर नहीं बता रहा हूँ. हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं ना. हाँ हाँ उसमें से आप शॉर्ट शॉर्ट करके पूछोगे. आई एम गिविंग एग्जांपल डिफरेंट बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोमिंग तो उसका चार ऑप्शन देके पूछोगे ना वो बता. हाँ बेटा वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन हम आपको चार ऑप्शन देके पूछेंगे. सर मोबाइल में होगी. बेटा वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको दूंगा वो मोबाइल के थ्रू होगा या आपको लिख करके सबमिट करना होगा. थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने होंगे या सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में होगा. दैट वी विल गिव यू इन दैट वी विल इन्फॉर्म यू लेटर. वो हम आपको बाद में इन्फॉर्म करेंगे. अभी इन पेरेंट्स मीटिंग में सर. पेरेंट्स मीटिंग में हम तो पेरेंट्स के साथ कुछ बातें करेंगे. दैट विल नॉट बी शेयर्ड विथ यू. दैट विल बी विथ नहीं आना होगा क्या only. बेटा मीटिंग विल बी ऑनलाइन. ओके सर ओके सर ओके सर. प्लीज गो थ्रू द मैसेज. देखो मैंने मैसेज आया है आप लोगों को. सर ऑनलाइन मीटिंग है समीशन ना. बेटा जस्ट अ मिनट. वेट 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 जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट प्लीज लेट मी. एक्सक्यूज मी सर. बट सर सबमिशन भी और मीटिंग भी है सर तो मीटिंग ऑनलाइन रहेगी. बेटा वेट 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 जस्ट अ मिनट. चलो जस्ट अ मिनट. एक्सक्यूज मी सर. आपको मैंने अभी मैसेज भेजा है ना 6A को. लेट मी सी सर. वी आर 6C सर. आई एम इन योर क्लास 6A. हेलो सर. हाँ बेटा मीटिंग ऑनलाइन है. बेटा जस्ट अ मिनट. तो सर सबमिशन कीजिए तो स्कूल में आना पड़ेगा ना. कितने बजे आना पड़ेगा सर? 10:30. सर बट पेरेंट्स टीचर मीटिंग एंड सबमिशन टाइम आर सेम सो व्हाट सो हाउ वी विल मैनेज. हाँ बेटा परी
नहीं नहीं बेटा, आपको ऑनलाइन मीटिंग नहीं है, आपको स्कूल में आना होगा. पेरेंट्स आएंगे ना बुक सबमिशन के लिए, एट दैट टाइम ओनली द मीटिंग विल बी कंडक्टेड. ओके सर. एंड सर, बुक सबमिशन टाइम इज 10:30 ना? यस, 10:30. यस. अभी अभी मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया है आप सभी लोगों को, जिससे भी ग्रुप में देखो. हेलो सर. सर हमारे में बच्चे मेरे सर कल ऑनलाइन में हॉलीडे है. ऑनलाइन हॉलीडे मतलब क्लासेस नहीं होंगी बेटा, हॉलीडे क्लासेस नहीं होंगी आप लोगों की, क्योंकि आपने यहाँ पे दे दी है. हेलो गौरव सर. सर हाँ बेटा बोलो. हेलो सर. सर ऑनलाइन मीटिंग कब हमारे पेरेंट्स की? नहीं नहीं है बेटा, नहीं है ऑनलाइन मीटिंग, नहीं है ऑफलाइन है. आप जब नोटबुक सबमिशन के लिए आप पेरेंट्स जब यहाँ पर आएंगे ना नोटबुक टेक्स्ट बुक लेकर के, एट दैट टाइम देयर विल बी अ मीटिंग. तो आप भी आ सकते हो, दैट नॉट टू कि आपको नहीं आना है, यू आर ऑल्सो कैन कम. ठीक है ना सर? हम भी आए ना. अच्छा हो कुछ साइंस का या फिर वर्कशीट भेजेंगे, उसमें क्या होगा कि आपको वर्कशीट का रिवीजन करना होगा. देखो देखो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो बेटा. आपका जो नोटबुक टेक्स्ट बुक कमीशन है वो कितने दिन तक चलेगा? मैक्सिमम 3 डेज तक होगा. 3 या 4 दिन के अंदर हम आपको टेक्स्ट बुक चेक करके वापस कर देंगे. ठीक है, विद इन 4 डेज, 4 डेज के अंदर टेक्स्ट बुक हम आपको वापस कर देंगे. ठीक है, टिल द 4 डेज यू ऑल विल नॉट बोर, आप लोग बोर नहीं होंगे. इन द मीन टाइम यू विल हैव आवर रिविजन वीडियोज, आपके पास टीचर्स के रिविजन वीडियोज होंगे, और या तो फिर उनकी वर्कशीट होगी, सॉरी यू विल हैव द रिविजन शीट, आपके पास रिविजन शीट होंगी. विद हेल्प ऑफ रिविजन शीट यू कैन रिवाइज फॉर द 4 डेज, और 4 डेज के बाद जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे बच्चों, वो डाउट्स आप बच्चों आप टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर सकते हो, है ना. जैसे मान लीजिए टीचर्स ने आपको वीडियोस भेजा था तो उसमें आपको समझ में नहीं आया, या हमने आपको रिविजन शीट भेजी थी उसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन योर ऑनलाइन क्लासेस विल बी शेड्यूल्ड अगेन. ठीक है, मैं आपको बेटा नेत्रा टुडे ओनली आई सेंड यू सेंड टू ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को भेज दूंगा आज. ठीक है, ओके चलो. अभी मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू अनम्यूट टू ऑल ऑफ यू. अभी भी अगर कोई डाउट है किसी को देन यू कैन आस्क टू मी मैनुअली. चलो मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूं. ठीक है सर, 1 जुलाई को बुक सबमिशन करनी है सर, तब मीटिंग कितने बजे होगी? 10:30 होगी ना सर? हाँ हाँ बेटा, जिस टाइम पे आप सबमिट करने आओगे ना, तो हमेशा क्या होता है कि सबमिट करके पेरेंट्स वापस चले जाते हैं. वेट वेट वेट, हाँ पेरेंट्स नोटबुक सबमिट करके वापस चले जाते हैं. इस बार आपको वापस नहीं जाना है, हम आपको यहाँ पे बिठा लेंगे. ऐसा विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में, जैसे मान लो एकदम 10:30 का टाइमिंग है, एकदम 10:30 पे तो कोई नहीं आएगा, 10:30 का टाइमिंग है तो 10:30 पे, 10:40 पे, 10:45 पे, 10:50 होते होते सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे 6 के, है ना, क्योंकि हमने टाइमिंग क्या दिया है आपको, 10:30 का दिया है. तो 10:50 तक हमारा एक्सपेक्टेशन है कि सभी लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर मीटिंग आपकी शुरू हो जाएगी. ठीक है सर, हमें अभी आना है. सर 5 जुलाई को है ना सर? हाँ बेटा 5 जुलाई को मीटिंग है ना सर, सबमिशन भी जब है ना बेटा? फर्स्ट को, 5th को नहीं है, 1st को, कल है. कौन दे सर आप रिविजन वीडियो भेजोगे उसमें आप सर सबमिशन कर ले आप भेजोगे तो हम सर हमें होमवर्क एक्स्ट्रा करना होगा.
नहीं नहीं बेटा सुनो सुनो, अब देखो बिल्कुल भी अपने माइंड पे अच्छा प्रेशर मत डालो। देखो सुनो, पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको रिवीजन, बेटा मैं आपको रिवीजन वीडियो नहीं भेजूंगा, मैं आपको रिवीजन नोट्स भेजूंगा। एक मिनट बेटा, मैं आपको रिवीजन नोट्स भेजूंगा। बेटा मैं आपको रिवीजन नोट्स भेजूंगा यहाँ से, ठीक है? तो वो रिवीजन जो नोट्स होंगे उसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के, ठीक है? व्हाट यू ऑल शुड डू, उसमें से जितने जितने क्वेश्चंस आपको बनते हैं यू कैन राइट इट डाउन। हाँ बेटा, वर्कशीट क्यों नहीं जमा करोगे? वर्कशीट आप हमेशा सबमिट करते हो। ओके सर। हाँ बेटा, मैंने अभी आज ही आप लोगों को मैसेज किया है। सर कर ले ना सबमिशन। सिक्स ए बी सी तीन। सर आप नोट्स के बारे में कुछ कह रहे थे ना। सिक्स ए बी सी, सिक्स ए बी सी तीनों का रिवीजन, तीनों का सिक्स ए बी सी तीनों में बेटा मैंने मैसेज पास ऑन कर दिया है अभी।